Everyone, welcome to my new video of chapter 9, how many times, and in this video we will discuss some more interesting topic. So let us start. Our first topic is stick play. So students, you can see there is a little girl, her name is Mittu, and Mittu had some sticks. Mittu ke paas kuch sticks hain. She arranged them like this, aur wo use arrange kar rahi hai. To उसने स्टिक्स को अरेंज किया है बच्चों. कुछ स्टिक्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे हैं. दीज आर कॉल्ड वर्टिकल स्टिक्स. ये वर्टिकल पोजीशन में उसने स्टिक्स को रखा है. और कुछ स्टिक्स जो हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ है ना. तो दीज आर कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल पोजिशन. तो उसने कुछ स्टिक्स को रखा है, फाइव स्टिक्स को उसने रखा है वर्टिकल पोजिशन में और कुछ स्टिक्स को उसने रखा है हॉरिजेंटल पोजिशन में. और ये जो टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है. ये जैपनीज मेथड है मल्टीप्लिकेशन का. चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ उसने कैसे स्टिक्स को रखा. तो स्टार्टिंग में उसने फाइव स्टिक्स को वर्टिकल, ऐसे वर्टिकली उसने फाइव स्टिक्स को अरेंज कर लिया. उसके बाद वन बाय वन, पहले वो एक स्टिक रखेगी, उसके बाद दूसरी स्टिक रखेगी. देखिए उसने यहाँ पर एक स्टिक रख दी हॉरिजॉन्टल पोजिशन में. अब आपको चेक करना है यहाँ पर कितने पॉइंट्स पर एक स्टिक ने दूसरी को क्रॉस किया है, कट किया है ना. तो क्रॉस पॉइंट्स आपको चेक करने हैं. तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो जो ये स्टिक्स हैं फाइव पॉइंट्स पे कट कर रही है. एक स्टिक जो है ये फाइव स्टिक्स को, रेड स्टिक जो है ब्लू स्टिक को फाइव पॉइंट्स पे कट कर रही है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 × 5 = 5. वैसे भी आपको पता है 5 × 5 = 5 है ना. अब उसने क्या किया, सेकंड स्टिक यहाँ पे रखी. अब आप चेक कीजिए बच्चों, अब ये जो टू स्टिक्स यहाँ पे हो गई हैं कितने क्रॉस पॉइंट्स कितने हैं. तो 5 तो ऑलरेडी थे है ना, 5 और हो गए. तो ये हो गया 5 + 5 = 10 है ना. बट अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपने 5 को कितने टाइम्स ऐड किया, 2 times. तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 × 5 = 10. ठीक है बच्चों, 2 × 5 = 10. आप यहाँ पे देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं क्रॉस पॉइंट्स को. और क्रॉस पॉइंट को जब आप काउंट करोगे देन यू विल फाइंड 2 × 5 = 10. ये क्रॉस का निशान है ना, तो ये कितने पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही है, 10 पॉइंट्स पे. फिर हम यहाँ पे थर्ड स्टिक रखेंगे. थर्ड स्टिक में अब क्रॉस पॉइंट चेक कीजिए कितने हो गए, 5 + 5 + 5. 5 × 5 को हमने 3 times ऐड किया, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 × 5 = टोटल कितना हो गया, 15 है ना. ऐसे ही जब ये 4 times हम यहाँ पे स्टिक रखेंगे तो हो जाएगा 4 × 5. अब 4 sticks ने जो रेड स्टिक हैं कितनी है 4, और ब्लू स्टिक्स कितनी है 5. तो 4 red sticks ने ब्लू स्टिक को कितने पॉइंट्स पे कट क्रॉस किया, तो देखिए आप काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका आंसर होगा 20 है ना. और ऐसे ही फिफ्थ जब हम स्टिक रखेंगे तो क्रॉस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5 + 5. 5 को आप 5 times ऐड करोगे, या फिर आप लिख सकते हो कि हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 × 5 = 25. क्रॉस पॉइंट्स कितने हो गए हैं, 25. ओके बच्चों, तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, मिठू जो है 1 × 5 = 5, 2 × 5 जब उसने सेकंड स्टिक रखी है क्रॉस पॉइंट्स कितने हो गए, 10. जब उसने थर्ड स्टिक यहाँ पे रखी तो क्रॉस पॉइंट्स कितने हो गए हैं, 15. और जब उसने फोर्थ स्टिक यहाँ पे रखी है, ये फोर्थ वाली स्टिक यहाँ पे रखी है, तो क्रॉस पॉइंट कितने हो गए हैं, 20. देन शी काउंटेड हाउ मैनी टाइम्स द स्टिक्स वर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को कितने टाइम्स क्रॉस कर रही हैं. शी फाउंड दैट 4 × 5. 4 × 5 मीन्स 4 × 5, दैट मीन्स 20 है ना. तो बच्चों ये जैपनीज मेथड है मल्टीप्लिकेशन का. आपको स्टिक्स अरेंज करनी है. यहाँ पे आप देख सकते हो 5 का टेबल बन गया है ना, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में कितनी वर्टिकल स्टिक कितनी ली थी, 5. ठीक है, अगर आपको 2 का टेबल बनाना है तो वर्टिकल स्टिक्स आप कितनी लोगे, 2. ठीक है, और उसके ऊपर 1 stick रखोगे तो यहाँ पे 2 × 1 × 2 कितना होता है, 2. 2 × 2 कितना होता है, अब क्रॉस पॉइंट कितने हो गए हैं, 4. मैं आपको करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही करना है. यस, यहाँ पे देखिए बच्चों, लेट्स ट्राई मेकिंग अ 2 टाइम टेबल विद स्टिक्स.
तो आपने ऐसे ही टू स्टिक्स वर्टिकल ले लेनी है, बड़े वाली लॉन्गर स्टिक्स, और उसके ऊपर स्मॉलर स्टिक्स आपको रखनी है। तो हमने फर्स्ट स्टिक रखी, तो उसने कितने पॉइंट्स पे कट किया? टू पॉइंट्स पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे वन वन इंटू टू, यानी कि वन टाइम टू इज टू। ऐसे ही जब सेकेंड स्टिक रखी तो टोटल क्रॉस पॉइंट कितने हो गए हैं अब की बार? फोर। टू प्लस टू फोर होता है ना, टू टाइम्स टू इज फोर। ऐसे ही थ्री टाइम्स टू इज सिक्स, फोर टाइम्स टू इज एट, है ना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, स्टिक्स को प्लेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने टू का टेबल बनाना था, तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे कितनी स्टिक्स ले ली हैं? टू स्टिक्स। तो ये मैंने छोटे वाली स्टिक रखी है, कितनी बार क्रॉस किया? टू। तो हम यहाँ लिखेंगे वन टाइम टू इज टू। अब यहाँ पे कितने क्रॉस पॉइंट हो गए? फोर। तो टू टाइम टू इज फोर, है ना। अब रेड स्टिक्स कितनी हो गई? थ्री। तो थ्री टाइम्स टू इज सिक्स। क्रॉस ही तो चेक कर रहे हैं हम, क्रॉस कितनी बार क्रॉस कर रही हैं स्टिक्स एक दूसरे को, तो सिक्स टाइम्स। ऐसे ही फोर टाइम्स टू इज एट। फिर हम फिफ्थ स्टिक रखेंगे यहाँ पे, फिफ्थ टाइम टू विल बी फाइव मल्टीप्लाइड बाय टू विल बी फाइव टू जार टेन, है ना। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो कितनी बार रेड स्टिक्स ने ब्लू स्टिक को कितनी बार क्रॉस किया, है ना, तो वो टेन ही आएगा। ऐसे ही सिक्स टाइम टू इज ट्वेल्व, सेवन टाइम टू इज फोर्टीन, एट टाइम टू इज सिक्सटीन हो जाएगा, है ना, नाइन टाइम टू इज एटीन, एंड टेन टाइम टू इज कितना होता है? टेन टाइम टू इज ट्वेंटी, है ना। तो ये 20, और यहाँ पे क्रॉस पॉइंट भी आप चेक कर सकते हो, काउंट कर सकते हो वो कितने हैं 20। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन आपको टेबल अच्छे से अगर आते हैं तो आप इजीली से समझ रहे होंगे। बस ये एक गेम है, एक प्ले है, जिसमें आप स्टिक्स की हेल्प से या लाइंस की हेल्प से भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड जैपनीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, नाउ ड्रॉ स्टिक्स टू मेक मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ सिक्स। हर बार हमें स्टिक्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, हम कॉपी पे लाइंस से भी इसे कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सिक्स का टेबल बनाना है, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में कितनी स्टिक्स वर्टिकल ले लीजिए? सिक्स। अब सिक्स वन जा कितने टाइम क्रॉस किया? वन इंटू सिक्स कितने टाइम क्रॉस किया इसने? सिक्स वन जा सिक्स, है ना। और जब सॉरी बच्चों, अब एक लाइन और हमने ड्रॉ कर ली यहाँ पे, तो सिक्स टू जा यहाँ पे क्रॉस पॉइंट आप काउंट करोगे कितना हो जाएगा? सिक्स टू जा ट्वेल्व हो जाएगा, है ना। फिर सिक्स अब थ्री टाइम्स किया, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाय सिक्स इज कितना हो जाएगा? एटीन। तो ऐसे करके यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते जाएंगे और क्रॉस पॉइंट चेक करते जाएंगे, और आप यहाँ पे टेन लाइन्स ऐसे रेड लाइन्स कितनी ड्रॉ करोगे आप? टेन। तो आपके पास सिक्स का टेबल बन जाएगा, जैसे हमने टू का टेबल बनाया है बिल्कुल वैसे ही सिक्स का टेबल। चलिए बच्चों, अब आपको टेबल्स तो अच्छे से आते हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे करनी है शॉपिंग विद टेबल्स। अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं तो आप उसकी हेल्प से शॉपिंग करोगे। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे पिक्चर में क्या है? टॉफीज हैं, और यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है टॉफी के साथ, रुपीज टू ईच, मीन्स वन वन टॉफी कॉस्ट रुपीज टू। एक टॉफी का जो कॉस्ट है वो कितना है? टू। तो आपको बताना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फोर टॉफीज। तो फोर टॉफीज के लिए आपको क्या करना है? हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, फोर से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे टेन होता तो टेन से मल्टीप्लाई करते, सिक्स होता तो सिक्स से मल्टीप्लाई करते। तो अभी यहाँ पे फोर है, तो हम फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे। फोर टू से कितना होता है? एट। सो वी विल राइट हेयर एट। ओके बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो देर आर पेंसिल बॉक्स, है ना, और एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज टेन ईच, है ना। सो यू हैव टू बाय थ्री पेंसिल बॉक्स, आपको कितने बॉक्सेस खरीदने हैं? थ्री। और एक बॉक्स का कॉस्ट कितना है? टेन। तो क्या आंसर होगा? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स इज रुपीज टेन, यू हैव टू बाय थ्री पेंसिल बॉक्स, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई थ्री विथ टेन, एंड थ्री टेन्स आर थर्टी। इजी है ना बच्चों। ऐसे ही जब आपको 10 पेंसिल बॉक्स खरीदने हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बॉक्स इज रुपीज़ 10, है ना, और
सो कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल बॉक्स विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 10 टेंस आर 100, है ना। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे है बैलून की पिक्चर है और यहाँ पे लिखा हुआ है बैलून का प्राइस कितना है, ₹5 ईच। एक बैलून का प्राइस है ₹5, ₹5। एंड यू हैव टू बाई 9 बैलून्स, आपको कितने बैलून खरीदने हैं, 9। तो एक बैलून का कॉस्ट है ₹5, 9 बैलून आपको खरीदने हैं तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 fives are 45, सो योर आंसर विल बी ₹45। इजी है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट। यहाँ पे कुछ टॉयज बने हुए हैं और ₹4 ईच, एक टॉय का कॉस्ट है 4, है ना। आपको कितने टॉयज खरीदने हैं, 5, तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 fours are 20, सो योर आंसर विल बी 20 रुपीज। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन फेस मास्क। तो बच्चों फेस मास्क यहाँ पे बने हुए हैं, आप जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में या कोई सेलिब्रेशन होता है तो हम यहाँ पे फेस मास्क लगाते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक फेस मास्क का कॉस्ट जो है वो ₹3 है, आपको खरीदने हैं 7 फेस मास्क, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे शॉपकीपर को। तो देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 फेस मास्क इज 3, यू हैव टू बाय 7 फेस मास्क, सो यू विल मल्टीप्लाई 7 विद 3, तो 7 into 3, 7 threes are 21, सो 21 इज राइट आंसर। ओके, तो बच्चों ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बाय बाय।